मैं अभी अकेली हो गई हूँ, जैसे लगता है मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे नवासे मेरे साथ हैं, कोई बिल्किस बोलने वाला नहीं है, कोई हजियाणी बोलने वाला नहीं है, सब काम कर रही हूँ लेकिन है ना दिल में रोशनी नहीं है। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के अभी अकेली हो गई हूँ, जैसे लगता है मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे नवासे मेरे साथ हैं, मेरे पोते मेरे साथ हैं, मेरी बहू मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आधी हो गई हूँ, मेरे साथ ही नहीं है। हाँ याद आते हैं, बहुत याद आते हैं, इनकी याद बहुत आती है, कोई बिल्किस बोलने वाला नहीं है, कोई हजियाणी बोलने वाला नहीं है, कोई मशवरा करने वाला नहीं है, सब काम कर रही हूँ लेकिन है ना दिल में रोशनी नहीं है, रोशनी ख़त्म हो गई है, वो एकदम रौनक थी ना वो रौनक ख़त्म हो गई है, शोर मचता था तो आवाज़ शेर की तरह गूंजता था, पता नहीं इसके दिमाग में क्या जुनून था, ये मुझे ये भी बनाना है। हम लोग का एक्सीडेंट हो गया तो बोलते हैं भुट्टो ने जहाज़ भेजा था हमारे लिए, एडी साहब कहाँ हैं तो बोले कि रहीम यार खान में हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो फ़ौरन जहाज आया, वहाँ एयरपोर्ट नहीं था, खेतों में खड़ा था, तो फिर है ना तो बोलते मैं जहाज़ खरीदूँगा, फिर होश में आ गए थे 12-14 घंटे के बाद, तो मैं बोली जेब में तो हाथ डालते हो तो धागे आते हैं और जहाज़ कहाँ से खरीदोगे, बोला मैं मरीजों के लिए जहाज़ खरीदूँगा, चार जहाज है अभी हमारे पास। हाँ एक बच्चे को दफनाया था हमने जेल से, हमको मिला था, तो एक महीने के बाद उसके वारिस आ गए थे ना, तो वारिस आ गए थे ना तो उन्होंने कहा हम इनकी माँ इनकी मैयत को देखना चाहती है, और एक महीने के बाद तो मैयत होती ही नहीं है ना ठिकाने पे, तो जिस वक्त कब्र खोली ना तो उसके कफन पे दाग भी नहीं था और पानी भी नहीं था, और इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी, फिर हम इसको लेके गए थे, मैयत में से खुशबू आ रही थी गुलाब की, बहुत अल्लाह का करिश्मा देखा मैंने, हज़ारों में एक दो आते हैं ऐसे जो जंगली होते हैं, हमको ले जानी है, बदबू आती है ना मैयत को निकालो ना तो पानी निकलता है, फिर कीड़े भी होते हैं और इतनी बदबू आती है कि इंसान खड़ा ना हो सके, यदि साहब को तो पता ही नहीं होता था, नाक पे भी कपड़ा नहीं रखते थे, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए थे, चक्रन में गए ना मैयत दफना, 20 साल की लड़की सिवल में मरी थी टीबी में, तो उसको उठा के हम लोग जाने लगे ना तो 6 लड़के आए थे सुबह से कि हमको इसकी मैयत ले जानी है, तो 6 लड़के भी बच गए, हमारा ड्राइवर भी बच गया, मैं बच गई, मेरा बच्चा भी बच गया, मेरा 10 साल का बच्चा मेरे साथ था, मेरे मियाँ को बहुत चोटें लगी थी, 2 साल तक इलाज हुआ था, और ये राडे पड़ी थी हाथों में, नाक भी टूट गया था, दांत भी टूट गए थे, सर भी फट गया था, उंगलियाँ भी टूट गई थी, 2 साल तक जेर इलाज रहे डॉक्टर जोकियो के पास, उसके दिल में पता नहीं क्या लगन थी, एक इसको अल्लाह पाक ने चुना था, मेरे को लगता है कि किसी के बस का काम नहीं है, अपने आप को हमको क्या सिखा के गए हैं पता है, सादगी कनात पसंदी, माफ़ करो दरगुजर करो, अल्लाह पे यकीन रखो, और कोई कुछ बोलता है पीछे मुड़ के नहीं देखो, मैं बोलूँ ना उनका मुँह तोड़ दो ना, वो हमको बुरी बुरी बातें बोलता है अपोजिशन का होना ज़रूरी है, अपोजिशन नहीं होगी तो काम नहीं होगा, सुस्ती आ जाएगी, तकब्बर आ जाएगा, मैं बोलूँ भीख मांगने क्यों मुझे ले जाते हो, सबको ले जाते हो, आजीजी पैदा होती है, हर बात में हिकमत थी, मैं इंटरव्यू देना भी नहीं चाहती हूँ किसी ना, सबको मना कर देती हूँ, अमेरिका से आए थे इधर लैपटॉप लेके इतना बड़ा, मैंने मना किया ना, फिर इधर आए थे, फिर इधर मेरे को बिठाया, मेरी इतनी फ़ोटो आती थी, इनकी बहुत ज़्यादा तस्वीर आती थी।